तो आपको हम दवाई वगैरह रखेंगे, दवाई आपको खानी है, ठीक है। मास्क पहन के रखना है, घर में अलग रहना है, ठीक है। लोगों को अपने पास किसी को नहीं रखना है, ठीक है। तो परहेज करना है, ठीक है। तो पानी शानी खूब पीना है, ठीक है। हमारे यहाँ वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत होगी, उसके लिए वार्ड है। मौजूद है राजेश सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट। सर बताए हैं जो आज कोविड की जो यहाँ पे ड्रिल चल रही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसके हवाले से क्या? आज 27 दिसंबर को हमने जो न्यू लहर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोविड की आने वाली, उसके लिए एक ड्रिल यहाँ हमने तैयार की है। उस ड्रिल में हम यही जायजा ले रहे थे कि हमारा सामान जो है हर चीज़ रेडी है, और अपने स्टाफ को हम अवेयर कर रहे थे कि उन्हें किस तरीके से तैयार होना है। उसी जीवन में हमारे यहाँ पर जो ओपीडी पेशेंट की होगी, ILI या जुकाम वगैरह या बुखार इस किस्म के पेशेंट जो, उनको सेपरेट ओपीडी होगी जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं, ये ILI की ओपीडी है। इसके साथ ही अगर कोई पेशेंट को शक पड़ता है डॉक्टर को कि भाई ये हो सकता है कोविड की साइड, तो हमने उसका टेस्टिंग फैसिलिटी जो वो भी सामने रखी है, वहाँ टेस्ट होगा। तीसरे नंबर पर अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हमारा एक ट्रायल रूम है जो नेक्स्ट यहाँ बना हुआ है। ट्रायल रूम में ये डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट को होम आइसोलेशन में रखना है या कि हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है और ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर तो उसको होम आइसोलेशन की जरूरत है तो फिर उसको यहाँ से पॉजिटिव केस को ड्रग किट देकर हम घर में भेजते हैं, साथ में पल्स ऑक्सीमीटर भी देते हैं कि वो अपनी वहाँ पर ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करता रहेगा। अगर उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होगी तो वो दोबारा हॉस्पिटल वापस लाया जा सकता है। इसके अलावा हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें कि मेरा जो अपना ऑफिस है उसमें टोल फ्री नंबर हम रखेंगे, ऑलमोस्ट हर लोग जो है वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी। उसके बाद हमारा जो ट्रीटमेंट पॉट है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है। बोथ प्लांट जो है हमारे ऑक्सीजन के दे आर रेडी, एक 2250 का है, एक 1000 का है PM केयर में,
उसके बाद एक मैनीफोल्ड होता है कि अगर हमारा प्लांट नहीं तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर पे जो है ऑक्सीजन पाइपिंग हॉस्पिटल के ऑलमोस्ट 150 बेड पे जो हमने रेडी रखी हुई है। उसके अलावा जो हमने 4 वार्ड्स रेडी रखी हैं इसके लिए कि अगर हमें कहीं जरूरत पड़ जाए, एक में तो हमने वेंटिलेटर्स वगैरह लगा के वो रखी है और 3 वार्ड्स जो है बाकी पेशेंट्स के लिए उनकी मॉनिटरिंग के लिए जो यहाँ रखी हैं। तो ये हमारी तैयारी है, उसी को हम थोड़ा सा आज प्रैक्टिकली स्टाफ को एक्सपोजर दे रहे थे और ये मॉक ड्रिल के लिए ही किया गया सारा।